नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, नहीं पिताजी। क्या मैं आप सबसे पूछ सकती हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? एक झूठ के लिए इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं दादा ठाकुर? इतने सालों से कितना कुछ किया है पिताजी ने इस गांव की भलाई के लिए, बेरोजगारों को रोजी रोटी दी, कितनों को न्याय दिलवाया इन्होंने, ये सच तो जानते हैं ना आप लोग? इनकी कोशिशों की वजह से ही आपका गांव बेस्ट गांव चुना गया है, तो इनके लिए क्या चुन रहे हैं आप? रेजिग्नेशन, इस्तीफा? जिस ओहदे का इतना मान बढ़ाया है इन्होंने, उसी ओहदे से इनको अलग कर रहे हैं आप लोग? अरे अरे, ये लड़की, इतने सारे पंच बैठे हैं यहाँ पर, तुम काहे बीच में बोल रही हो? उनको फैसला लेने दो ना। हाँ हाँ, लाखन ठीक बोल रहा है ना, हम सब बैठे रहे यहाँ पर, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं, ये पंचों का काम है। मैं मानती हूँ कि मैं इस पंचायत की मेंबर नहीं हूँ, पर मैं इस घर की बेटी हूँ, और इसी नाते मुझे अपने पिताजी के बारे में बोलने का पूरा हक है। आप लोग इनकी अच्छाइयां भूल गए हैं शायद, लेकिन आपको कल की बात तो याद होगी। कल मैंने कहा था कि 20 साल पहले जिस काम को मेरी माँ ने अधूरा छोड़ा था, जिस काम को पूरा ना करने की वजह से वो यहां से भागी थी, और जिसे बचाने के लिए पिताजी ने आप सबसे झूठ बोला था, उस काम को मैं पूरा करूंगी, उस काम को मैं पूरा करूंगी। अपनी माता पिता की गलतियों का प्रायश्चित मैं करूंगी। जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? तुम कैसे करोगी ये सब? तुम कुछ नहीं करोगी, जो करना होगा हम करेंगे। नहीं पिताजी, इस गांव को आपने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, आपसे बेहतर सरपंच और कोई हो ही नहीं सकता। मैं आप सबको वचन देती हूँ कि मेरे माता पिता के अधूरे काम को मैं पूरा करूंगी। आप लोग प्लीज इस सरपंच की पगड़ी को इनसे अलग मत होने दीजिए। हाँ तो ठीक है, जो काम तुम्हारी माँ अधूरा छोड़कर गई थी उसको पूरा करने के लिए तुम तैयार हो, हैं? तैयार हो के नहीं? हाँ बोलो के ना। हाँ मैं तैयार। बताइए मुझे क्या करना होगा? बात हमारे झूठ बोलने की है बेटा, इससे मीरा का या 20 साल पुरानी उस घटना का क्या वास्ता? हम आपसे अनुरोध करते हैं। भैया क्या बात कर रहे हैं आप? पूरा गांव जानता है कि रामधारी सिंह कभी झूठ नहीं बोलते, कभी नहीं। तो भैया आज के आज फैसला हो ही जाना चाहिए। अरे बता दीजिए इन गांव वालों को कि 20 साल पहले क्या भवा था और किस वजह से सुधा भाऊजी को ये गांव छोड़कर भागना पड़ा। अरे भैया अब तो मीरा भी तैयार हो गई है वो काम करने के लिए, अच्छा होएगा भैया, हम कह रहे हैं ना आपसे, बता दीजिए। ताजी डरिए मत, जो भी काम हो मैं अपनी जान दे दूंगी पर उसे पूरा जरूर करूंगी, बताइए। अरे भैया इतना वक्त तो आपने कभी नहीं लगाया कोई फैसला सुनाने में। मीरा, मीरा, तुम्हें सारी जिंदगी पृथ्वी के साथ रहना, पृथ्वी के साथ।
धर्म पत्नी बनकर धर्म पत्नी मीरा, मीरा, सुमित, सारी जिंदगी, सारी जिंदगी, सारी पृथ्वी के साथ, पृथ्वी के साथ, पृथ्वी के साथ, पृथ्वी के साथ, उसकी धर्मपत्नी बनकर, धर्मपत्नी बनकर, धर्मपत्नी बनकर, धर्मपत्नी। मेरी शादी बचपन में कैसे हो सकती है? मैं तो सिर्फ आकाश से प्यार करती हूँ। मैं पृथ्वी से शादी क्या जरूरत थी वो सब जानने की जिस पर बरसों से हम पर्दा डाले बैठे थे? हम जानते थे कि वो सच तुम्हारे लिए किसी जहर से कम नहीं, इसलिए हमने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। इसलिए हम नहीं चाहते थे कि तुम अपनी मां का अधूरा काम पूरा करने का वचन दो। इसीलिए हम ये बताना नहीं चाहते थे कि वो अधूरा काम क्या है। पिछले 20 साल से तुम्हारी मां तुम्हें जिस बंधन से बचाती रही, आज तुमने खुद उसे अपने गले डाल लिया है। छोटा सा मासूम सा पृथ्वी, उसकी जिंदगी बचाने के लिए ही हमने तुम्हारी शादी उसके साथ की थी, लेकिन तुम्हारी मां को यह स्वीकार नहीं था, इसीलिए वो तुम्हें इस गांव से लेकर चली गई थी। एक तरफ गांव वालों की आंखों में उतरता हुआ खून और पंचायत के आदेश, तो दूसरी तरफ तुम्हारी मां को दिया हुआ वचन। तुम्हें जिंदा रखने के लिए ही हमने दिल पर पत्थर रखकर गांव वालों से ये कह दिया कि तुम दोनों मर चुके हो। तुम्हें जिंदा देखने के लिए ही इतना बड़ा झूठ। बेटा, हम तो बहुत पहले समझ गए थे कि तुम हमारी मीरा हो, हमारी मीयू। जी तो चाहता कि उसी वक्त तुम्हें अपने सीने से लगा लें। ख्याल आया कि तुम्हें सीने से लगाने का मतलब तुम्हारी शादी पृथ्वी से करवाना। माफ कर दे मेरी बच्ची। मुझे भी माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपको बहुत गलत समझा, आपने भी कितना कुछ सहा है, कितना कुछ। I'm so sorry. आप देखना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप मैं और मम्मा साथ साथ रहेंगे। बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम दिल्ली जाओ और अपनी जिंदगी जियो। नहीं पिताजी, अगर मेरी पृथ्वी के साथ रहने से मेरे परिवार की खुशियां लौटती हैं, तो मुझे ये वचन पूरा करने में कोई परेशानी नहीं। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम्हारी जिंदगी किसी और की गलती की सजा नहीं हो सकती है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, जिसमें तुमने किसी से प्यार किया है, शादी का वादा किया है। जरा सोचो क्या होगा तुम्हारे मंगेतर का, तुम्हारी शादी का, तुम्हारे सपनों का,
पिताजी, मेरे पास सिर्फ दो चॉइस है, मेरी फैमिली या फिर मेरी अपनी जिंदगी, और मैं अपनी फैमिली को चूज करती हूं। इतने सालों बाद मैंने आपको पाया है, अब मैं आपको और इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और फिर मैंने सबको वचन दिया है। भूल जाओ उस वचन को, तुम सिर्फ सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, अपनी और अपनी मां की खुशियों के बारे में। इसलिए तुम अभी और इसी वक्त ये शहर छोड़कर दिल्ली वापस जा रही हो। लेकिन पिताजी आप, बेटा हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर चुकी है, और बाकी तुम्हारी खुशी तुम्हारी जिंदगी पर निर्भर है। रही गांव वालों की बात, तो जैसे अब तक उन्हें संभालते आए हैं वैसे आगे भी संभाल लेंगे। नाउ गो एंड पैक योर बैग्स। क्या कर रहे बड़े भैया, मीरा को भगा रहे? ऐसा नहीं होने देंगे हम। इतनी आसानी से भागने नहीं देंगे। हाँ भीमा, कहाँ पर है तू? जल्दी आओ इधर। मीरा, इन्हें रख लो और इसे ही हमारा आशीर्वाद समझना। हमारी बेटी को सुरक्षित घर तक छोड़ के आना। जी दादा। और रास्ते में अगर कोई खतरा महसूस हो तो इसे इस्तेमाल करने में झिझकना मत। जी। जाओ। Ah.
ये सच्चाई भी कबूल करते हैं कि ये लड़की हमारी बेटी है। हम तुम्हारे गुनहगार हैं, हमें माफ कर दो। भैया आ गए अपनी बेटी को विदा करके, मिल गवा सुकून है जो 20 साल पहले किए थे, वो बात को फिर से दोहरा दिए ना। क्या है लक, इस तरह गांव वालों को इकट्ठा करके घर की इज्जत का? ना 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 भैया, अभी बात घर की इज्जत की रही नहीं, ये बात एक सरपंच के आचरण की है, ये बात इस बिचारे गांव वालों के इज्जत की है। अरे भैया, आपको ही बिचारे गांव वाले मजाक लगते हैं का? मजाक है? आज तो आपको इन गांव वालों को बताना होगा कि वो लड़की कहां है। हाँ, जवाब बताइए, जवाब बताना होगा। आप लोग यही जानना चाहते हैं ना कि हीरा कहां है? सुनिए, उसे हम गांव से बाहर छोड़ाए, गांव के रीति रिवाज और पंचायत के आदेशों का हम आदर करते हैं, उनके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, लेकिन लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। आप लोगों को जो सजा देनी है हमें स्वीकार है। अरे हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की जो इन्हें सरपंच के पद में रहने दिया, इन्होंने गाँव वालों की इज्जत का तमाशा बनाया, हम इनकी इज्जत का तमाशा बनाएंगे। अरे इनके मुंह पर काली लगाओ, गधे पिटा का पूरे गांव में घुमाओ इनको। हाँ हाँ, पूरे गांव में घुमाओ। अरे देख क्या रहे हो, मारो इन्हें, मारो मारो। किसी को मारता है क्या? हाँ हाँ, मारने से क्या होगा, इनका तो मुंह काला किया जाए और पूरे गांव में घुमाओ। हाँ लखन भैया, आप साइड हटिए, आज इनका मुंह काला होके रहेगा, ले लो आज इनका मुंह काला करो। हाय 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 तो यहां से चली गई थी, फिर तुम वापस क्यों आ गई? आपने मुझे विदा करके एक पिता होने के फर्ज को अदा किया, तो मैं एक बेटी होने का फर्ज कैसे नहीं निभाती? इतने सालों बाद मुझे मेरे पापा मिले, इतने सालों बाद आपने पूरे गांव के सामने अपनी बेटी को अपनाया, तो मैं आपके लिए वापस कैसे नहीं आती? ओ हो, तो तुम भी आ गई है? पर अब तुम्हारे आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो तीर कमान से निकल चुका है ना, वो निकल चुका है। तुम्हारे कारण हमारे भैया की आज ये हालत है। और हाँ, सबसे बड़ी गलती तो तुमने की है,
सजा तो तुमको भी मिलनी चाहिए, सजा तो तुमको भी मिलनी।